छवि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया था। थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करते हुए इसी टॉपिक को हम और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को मैंने बताया था कि ये एक तरह के मीन को डिफाइन करता है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं कि क्या चीज़ है। अब उस रैंडम वेरिएबल का जो मीन निकलता है, दैट इज़ एक्चुअली अ वेटेड मीन। उसमें हम उसको बाय डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं, सपोज दैट इफ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आर वी इज़ अ रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट रैंडम वेरिएबल एक्स, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू दी समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिस्क्रीट केस का। अच्छा, इसी के रिस्पेक्ट से अगर एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो हम ई ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स से निकालते हैं, जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल रिलेटेड टू एक्स, बाज़ों का हमें एक्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू के बजाय ऐसे रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालना होता है कि जो कि रिलेटेड टू एक्स। रिलेटेड टू एक्स से मुराद क्या होता है, वी माइट बी इंटरेस्टेड इन द रैंडम वेरिएबल वाई हुज वैल्यू आर रिलेटेड टू दोज ऑफ एक्स बाय मीन्स ऑफ द इक्वेशन। हम ये जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक इक्वेशन की फॉर्म है, लाइक एक एक्सप्लिसिट फॉर्म है, इसमें वाई और एक्स रैंडम वेरिएबल है। सो वी डिनोट दिस रैंडम वेरिएबल बाय जी ऑफ एक्स। इस रैंडम वेरिएबल वाई को हम जी ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है और ये एक्स क्यूब के इक्वल है, सो विच इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टू। तो जी ऑफ टू अगर हम फाइंड आउट करें इन प्लेस ऑफ एक्स, हम टू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास 8 रिजल्ट आ जाएगा। नाउ फॉर दोज केस जहाँ पे वाई एक रैंडम वेरिएबल और वो एक्स रिलेटेड है या वाई एक फंक्शन है, सो इन डिस्क्रीट केस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स, then expected value of g of x is given by e of g of x। यहाँ पे अब जस्ट g of x एक रैंडम वेरिएबल नहीं है बल्कि रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में कोई रिलेटेड फंक्शन है या कोई रिलेशन है। सो e of g of x इज डिफाइंड एज समेशन g of x f of x फॉर ऑल x, जो कि x की रेंज में होगा। कंटिन्यूस केस में क्या होगा, f(x) इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड f of x इज इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x, then the expected value of g of x will be minus infinity to infinity g of x f of x dx। ये इन इंटीग्रल केस में इसका कंटीन्यूअस केस आ जाएगा, ये डिस्क्रीट केस आ जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ x इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस डाई, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द g of x। ये आपके पास g of x एक फंक्शन है 2x2+1, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इफ x इज अ नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस डाई एंड देयरफॉर द f of x, इसमें जो कि बैलेंस डाई सिंगल डाई एक्सपेरिमेंट में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू होती है वो 1/6 एक कांस्टेंट होती है फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल 1, 2, 3 एंड 6। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज द समेशन जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन। ये भी हमने देखा था ये पॉइंट। अच्छा, हमने क्या करना है, तमाम जी ऑफ एक्स की वैल्यू को सम करना है विद एफ ऑफ एक्स इन तमाम रैंडम वेरिएबल एक्स फ्रॉम 1 to 6 में। सो फॉर दिस ये आपके पास क्या आएगा, ई ऑफ 2x2+1, बाई डेफिनेशन ये समीशन 2x2+1 1/6 हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/6 हो गया और जी ऑफ एक्स की जगह 2x2+1। एक बात जो नोट डाउन करने की वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ई के साथ फैक्टर लिखते हैं तो कैपिटल एक्स होता है, राइट हैंड साइड में वो स्मॉल एक्स की फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, रैंडम वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसको सम करना है, समीशन एक्सपेंशन करनी है फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल फ्रॉम 1 to 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो डिफाइंड है सिंगल डाई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें ओबियस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए होगा ये। तो इन प्लेस ऑफ एक्स आप पहले 1 सब्सटीट्यूट करेंगे और साथ साथ 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6 एंड सबको एट द एंड सम कर लेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 94/3। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन 2x2+1 आ जाएगा आपके पास। अनदर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट्स देन ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ई ऑफ एक्स प्लस बी। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स
ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टाइम्स सी ऑफ एक्स प्लस बी, जिसमें ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई भी हियर ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट्स। सो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रूव है इसका, यूजिंग कंटेनर्स केस। कंटेनिटी के केस में आप जानते हैं कि जो डेफिनेशन हमने देखी थी, ई ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस चीज़ को हम इस पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगी ना, फॉर्म क्या आएगी आपके पास ज़रा से देखिएगा। अगर आप डेफिनेशन इस पर अप्लाई करें यूजिंग कंटिन्यूस केस, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ए ऑफ ए एक्स प्लस बी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये डेफिनेशन आ गई। अच्छा इंटेग्रल है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल एक्स पे अप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स साथ साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बाय सिंप्लीफाइंग ये आखिर में आपके पास बी बचेगा और एफ ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। ये फैक्टर वन के इक्वल है, चूंकि एफ ऑफ एक्स एक पी डी एफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और पी डी एफ का जो हम इंटीग्रेट करते हैं ओवरऑल थ्रू आउट दैट डोमेन, तो इसकी वैल्यू वन आती है, तो वाहिद बचा है यहाँ पे वी बी। और ये जो पॉइंट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन है, और रैंडम वेरिएबल एक्स का एक्सपेक्टेड है और ए एज इट इज आ जाएगा, तो इस तरह हमसे सिंपली तौर पे प्रूफ करेंगे। इसकी दो कॉरोलरीज बन जाएंगी इसी थ्योरम की। कॉरोलरीज आप जानते हैं स्पेशल केस होता है किसी थ्योरम का, जब हम किसी थ्योरम पे कोई स्पेसिफिक वैल्यूज या स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करते हैं, उससे कुछ नए रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, तो हम उसे स्पेशल केस या कॉरोलरीज कहते हैं। तो कॉरोलरीज के दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे, एक तो ये है कि If a is a constant, then e of ax is equal to a times c of x. e of ax बराबर होगा a times c of x के, ठीक है? a कोई भी constant हो सकता है, so a कोई constant की बिहाफ पे ये a जो है multiple of e of x होगा। अच्छा इसका दूसरा point आपके पास क्या मिलेगा, if b is a constant, अगर b कोई constant है then e of b becomes b। इसका मतलब ये कि किसी constant number का expectation उस कांस्टेंट के इक्वल होता है। और पहले पॉइंट की मीनिंग ये है कि अगर कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो रैंडम वेरिएबल पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं और स्केलर मल्टीपल ए जो है वो बाहर आ जाता है लाइक दिस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ई ऑफ एक्स, यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर बाहर आ जाता है जब वो कॉन्स्टेंट कोफिशेंट के तौर पर होता है और रैंडम वेरिएबल पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं। सो इन कॉरोलरीज को प्रूफ तो नहीं करना, यानी इन स्पेशल केसेस को हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जस्ट इस थ्योरम में अगर आप बी की जगह जीरो सब्सटीट्यूट कर दें, कांस्टेंट है जीरो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो आप यहां से ये वैल्यू हासिल कर लेंगे। और अगर इस ए की जगह आप जीरो सब्सटीट्यूट कर दें तो आप ई ऑफ बी बी के इक्वल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह इस स्पेशल केस को हम बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं। Now, another theorem states that if C1 to Cn are constants, then E of the summation Gi of x, which is equal to the summation Ci E of Gi of x. ये theorem आपको states करता है कि हम सिर्फ एक function पर ही expectation apply नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास अगर sum of the function हो, summation है, summation of the बहुत सारे function होंगे, उस पर भी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट उसका रिजल्ट क्या आएगा, समेशन सी आई ई ऑफ जी ऑफ एक्स आई जी आई ऑफ एक्स आई, सो दे बोथ आर इक्वल। नाउ हाउ कैन वी प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इट्स अप टू यू, आप डिस्क्रीट केस अप्लाई कर लें, कंटिन्यूस केस अप्लाई कर लें। डिस्क्रीट केस यहाँ पे आसान है, तो डिस्क्रीट केस के थ्रू प्रूव हो जाएगा, ई ऑफ समेशन सी आई जी ऑफ एक्स आई जी आई ऑफ एक्स आई, बाय डेफिनेशन ये समेशन एक्स और ये पूरी वैल्यू ये एज इट इज यहाँ आ जाएगी और साथ साथ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये जस्ट जो पी डी एफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन के मुताबिक आएगा। नाउ आपने करना क्या है, इस समेशन सी आई जी आई को, वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n, इस फैक्टर को आपने इस समेशन से बाहर निकालना है, समेशन सी आई को, और आपने क्या करना है, इस समेशन एक्स को आपने इन थ्रू करवाना है। तो इस तरह जब ये
एक्सचेंज होगा, ये इजीली कर सकते हैं, जो कि समेशन जो सिग्मा है इसमें प्रॉपर्टी ये एक्सचेंजेबल होता है बाई लीनियर प्रॉपर्टी, जो कि एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर के लिए ये सिंपल है, ये हो सकता है, सब पॉसिबल है। और चूँकि कंटिन्यूटी के केस में ऐसा हो सकता है, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है और इस तरह हम काम कर सकते हैं। सो इस तरह आप समेशन जी आई ऑफ एक्स पे ये अप्लाई करेंगे, ये पूरा जो पॉइंट है आपके पास, दिस इज ये एक्चुअली ई ऑफ जी आई ऑफ एक्स को डिफाइन करता है, डेफिनेशन है, और समेशन सी आई एज इट इज ये आ जाएगा। इस तरह आप इस पॉइंट को दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड इसको प्रूव कर सकते, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल पर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर भी डिफाइंड होता है। तो उसमें जो फंक्शन होता है वो दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे भी हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे, तो दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई पर डिपेंड करेगा। इफ़ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज़ द वैल्यू ऑफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स वाई, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिफाइंड एज ई ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डबल सम, दिस इज सेट टू बी डबल सम, इसको हम डबल सम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज फॉर एक्स एंड द सेकेंड इज फॉर वाई, जी ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, ये डिस्क्रीट केस हो जाएगा। जबकि इसके कंटिन्यूस केस में आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें जो एफ ऑफ एक्स वाई होगा कोई जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ होगा। तो इस तरह आप दो रैंडम वेरिएबल पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप एन रैंडम वेरिएबल पर भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं, इट कुड बी डिफाइंड। दैट्स इट।